करीब 6 महीने दीनानगर के गुरुद्वारा यादगार शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा प्रबंधक प्रशासनिक हत्था विच रहण मगरों मानयोग उच्च अदालत दे हुक्मा ते अज प्रशासन वालों गुरुद्वारे दे प्रबंध मुड़ पुरानी कमेटी दे हवाले कर दिता गया। मानयोग पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट दे हुक्मा मगरों अज प्रशासन वालों नियुक्त कीते गए गुरुद्वारा यादगार शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे रिसीवर नायब तहसीलदार अभिषेक वर्मा गुरुद्वारा साहब पुजे, जिथे उन्होंने गुरुद्वारा साहब दे मुकम्मल प्रबंध पुरानी कमेटी दे प्रधान भगवान सिंह बाजवा ते उन्हां दे कमेटी मेंबरां नूं सौंपिया। इस मौके ते नायब तहसीलदार अभिषेक वर्मा ने सुनो की कहा। नगर वालों इहदे विच 145 लगाई गई सी, जिहदे विच 146 तहत जिहड़ा मैनूं बतौर रिसीवर तहसीलदार दीनानगर नूं बतौर रिसीवर नियुक्त किया गया सी। असीं 12/11/2021 नूं गुरुद्वारा साहब की बतौर रिसीवर का पोजैशन लैके तो जी अपनी 5 मैंबरी कमेटी नियुक्त की सी, जिस विच असीं 3-4 महीने गुरुद्वारा साहब की जिहड़ी आही सेवा निभाईआं। परंतु मानयोग हाई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट वालों जी दूसरी धिर जी अपनी भगवान सिंह अनाद उन्होंने जाके एक रिट पटीशन फाइल की, जिस विच मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जी ने हुक्म पास किए कि 4-4 नूं जो भी प्रोसीडिंग जिहड़ियां प्रेशन ऑफ द इंप्यून ऑर्डर शैल बी स्टेड, विच मीनस कि जिहड़ा भी इंप्यून ऑर्डर होया सी मानयोग SDM साहब दीनानगर वालों वह ते स्टे लगाई गई है, तो वह स्टे लाने के नाल जिहड़ा प्रेशन विच जिस विच असी बतौर रिसीवर ते नियुक्त होए सां, वह अज असी कार्रवाई जिहड़ी आ मानयोग हाई कोर्ट की कंप्लायंस दी साडा फर्ज बनता वा उहदी असी कंप्लायंस करदे होयां जिहड़ी आ गुरुद्वारा साहब की जिहड़ी कमेटी जिहड़ी पहला कमेटी जिन्हां कोल असी पोजैशन लई सी जिन्हां ने हाई कोर्ट में केस दायर किया उन्होंने असी उहदा पोजैशन नाल जो भी उहदे दस्तावेज या डॉक्यूमेंट जिहड़े उन्होंने वापस करके तो अज असी मानयोग हाई कोर्ट जी के ऑर्डर की कंप्लायंस की है। दूसरी धिर कोई भी नहीं है, दूसरी धिर वेखो जी बतौर रिसीवर असी सी, 5 मैंबर मेरे कमेटी से मैंबर से उन्होंने वालों कोई भी रोस नहीं है। हाँ लोकल जिहड़े 15-20 जाने से उन्होंने दस्सिया कि साडा इदां होया, वेखो जो पास्ट विच चीज़ां सी उस चीज़ां नूं लैके कर रहे थे कि देना नहीं है, बट वेखो अदालतां उत्ते कुछ भी नहीं हुंदा, इस करके असीं अजे मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दी जी आदेशां दी पालना करते हुए उन्होंने हुक्मां दी पालना दी कंप्लायंस कराई है जो कि अमन शांतिपूर्वक हो चुका। ये हाई कोर्ट वालों 145 इन्हां ने लवाती सी साडे उत्ते, हाँ जी कमेटी उत्ते इन्होंने कहा कि तुसीं इत्थे कम नहीं करोगे, इत्थे रिसीवर लाता सी तहसीलदार साहब नूं, असी चले गए चुप करके, अं फिर हाईकोर्ट चले गए जी, हाईकोर्ट साहब ने स्टे करता जी साडा, ये 145 का भी करता 46 का भी करता जी, तो उस आधार पर सानू अज उन्होंने फिर वापस चार्ज देता उस मानयोग हाईकोर्ट के कहते सानू वो जिहड़ियां कमेटी दे कोलों इन्हां चाबियां लईआं सी जो साडे कोल रजिस्टर लए सी जो कुछ लिया वो सानू इन्हां ने उस तरह ही वापस करता जी, तो अज तो जिहड़ा प्रबंध जिहड़ा सानू इन्हां ने करता। उन्होंने बारे भी है जी अं कोशिश करा स उन्होंने भी जो गिलवे सिकवे दूर करिए लैके चलीए तो सारे कट्ठे रल मिल के काम करिए। गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान भगवान सिंह बाजवा गुरुद्वारा साहब न संबंधित विवाद बारे पूछे जाने उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा साहब के प्रबंध सुचारू ढंग चला हर संभव यतन करेंगे। झगड़ा से अं 145 CRPC तहत जरा वा कलंदरा जिहड़ा वा SDM साहब दे मूव कीता सीगा जिन्हां दे जिहड़ा केस जी विचारधीन सीगा, उस दौरान ही जिहड़ी वह जिहड़ी पार्टी पहलों जिहड़ी कमेटी भंग कीती उन्होंने मानयोग हाईकोर्ट विच केस कीता होया सीगा, ते मानयोग हाईकोर्ट ने जिहड़ा वा 145 दे उत्ते जिहड़ी आ स्टे देती आ, ते जिहदे संबंध विच जिहड़े तहसीलदार दीनानगर आ उन्होंने उन्होंने कोल पहलों सीगा इहदा सारा कार्यभाग, हुण उन्होंने जिहड़ी पुरानी कमेटी आ उन्होंने हैंडओवर कर दिता वा, तो उन्होंने कहा वा तो दूजी धिर जी जी ऑब्जैक्शन करती है उन्होंने समझाया गया वा भी हाईकोर्ट के हुक्मों की जी अं पालना की है, जे मतलब 30 तरीक जी अगली नैक्सट डेट है वो तुम स्टे तड़वा लेंगे जे, तो फिर जो भी हाईकोर्ट का हुक्म का आर्डर होगा वो मुताबिक वो कार्रवाई की जाएगी। दूजी धिर जी उ बैठी है उ कुछ माहौल भी तनावपूर्वक हो गया, हाले भी दूजी धिर भी उत्थे बैठी गाद भी लगी है, जेकर हाईकोर्ट के आदेशों की उल्लंघना की जाती है तो पुलिस वालों की कार्रवाई की? हाँ जी देखो जो गुरुद्वारा के देखो धार्मिक है सारे साझा वा, कोई भी उत्थे मत्था टेक सकता वा बह सकता वा उन्होंने नहीं रोकया जा सकता लंगर छक सकता वा, पर वो असी कहने जे कोई कानून अपने हाथ च लेगा तो फिर वो खिलाफ सख्त तो सख्त कानून। स्कैनर्स पंजाब के लिए दीनानगर तो राजेश अलूना की रिपोर्ट। जे तुम UK ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो अपने स्पाउस नाल ते गैप नाल ते पैसे देना चाहते हो वीजा लगन तो बाद ते कैनेडा रिफ्यूजल तो डर रहे हो 8 बैंड स्कोर करन तो बाद भी ते कैनेडा PR लभ रहे हो 8 to 10 महीने की श्योरिटी नाल तो सानू थले दिते गए नंबर ते कंटैक्ट करो ते थले दिते गए एड्रेस ते विजिट भी कर सकते हो।
वीनस एजुकेशन सर्विसेज मोहाली। धन्यवाद। हर खबर दी ताज़ा अपडेट जानने दे लई साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो अते फेसबुक पेज नूं लाइक अते शेयर करो।